मंच पर उपस्थित राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, राजस्थान के प्रभारी, अरे भाई मेरी आवाज बड़ी है, चिंता मत करो, पहुंचेगी आवाज, बैठ जाओ बैठ जाओ, भाजपा के महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान सीआर चौधरी जी, जिला अध्यक्ष नागौर देहात श्री गजेंद्र सिंह जी, जिला प्रमुख नागौर भगीरथ जी, श्री देवीलाल जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर रजनी गावड़िया जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं नावा में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान विजय सिंह चौधरी जी। आ गया हो विजय सिंह जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों सबसे पहले नमक नगरी नावा की इस पावन धरती को मैं दोनों हाथों से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया मैंने पढ़ लिया, कांग्रेस ने नुकसान किया है, अब बैठ जाओ, मैं बोलता हूं बाद में, बैठ जाओ। हम सभी के आराध्य तेजाजी महाराज, भगवान देवनारायण, श्री यादे माता और मारोट के भेरू जी जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों राजस्थान की भूमि आज से नई सदियों से पूरे भारत के लिए सम्मान और गौरव की भूमि है। राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश था जिसने मुगलों की आंधी के सामने डटकर मुकाबला किया और उनको रोकने का काम किया। महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा और महाराणा कुंभा की ये वीर परंपरा को राजस्थान आज भी आगे बढ़ा रहा है। पन्नादाई, रानी पद्मिनी, गोरा बादल, जाला मन्ना, ये सब ने वीरता की कई कहानियां गढ़ी हैं और आज भी जब भी देश की रक्षा का सवाल आता है यही जाट बेल्ट से जवान सीमा पर जाकर भारत माता की रक्षा करने का काम करते हैं। और इस पर न केवल हमें, पूरे देश को इस पर गौरव। और ये 5 साल अशोक गहलोत की सरकार चली, अशोक गहलोत की सरकार ने ये वीर भूमि को तबाह करने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं यहां पर नावा वालों को कह सकता हूं कि सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर रही है तो राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट है। अभी मुझे एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए तो उन्होंने कहा भाई साहब हम तो राजस्थान जा ही नहीं सकते। मैंने बोला भाई क्या बात है, चुनाव आयोग चुनाव देख रहा है, सब पार्टी के लोग प्रचार करते हैं, आप भी जाइए कि नहीं, हमारे झंडे का कलर लाल है, लाल कलर देखकर गहलोत जी भड़क जाते हैं, कुछ भी लाल हो
गहलोत जी को लाल डायरी ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता है। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया और अवैध खनन उस सीमा तक बढ़ा कि एक संत ने अपने आप को जलाकर भूमि की रक्षा के लिए जान दे देनी पड़ी। फिर भी गहलोत साहब की नींद नहीं उड़ती। 66,000 करोड़ का उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला, शिक्षा मंत्री के सामने ट्रांसफर में पैसा लेने का आरोप लगना, देश में कहीं नहीं हुआ। सचिवालय में 2 करोड़ और किलो में सोना मिलने की घटना देश में कहीं नहीं हुई। अरे गहलोत जी, शर्म करो, शर्म करो। जिस सचिवालय में आप बैठते हो, आपके नीचे, आपके नाक के नीचे 2.5 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना जब्त होता है, आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हो? माताओं, भाइयों, बहनों, काली सिंह बांध के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ का घोटाला, वृद्धावस्था के पेंशन में 450 करोड़ का घोटाला और घोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब जांच करने वाले भी कहते हैं छोड़ दो भाई, जहां हाथ डालते हैं वहां से घोटाला निकलता। नावा वालों बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार को दूसरा मैंडेट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या गांव धाणी के अंदर पीने का पानी पहुंचाने की। मोदी जी ने समग्र देश के लिए योजना बनाई कि हर गरीब के घर में, हर व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाएंगे, परंतु यहां पर जल जीवन मिशन के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया खा गए, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचने दिया। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दीजिए, ये डबल इंजन सरकार 2.5 साल के अंदर राजस्थान के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, खुद तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी, पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, इसको घूम करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार ने किया है। रोजगारी भी घूम कर दी, कानून और व्यवस्था भी घूम कर दिया। अब इतनी सारी चीजें तो कोई जादूगर ही घूम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, चाहे बिजली देनी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा ठीक करनी हो, या कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी हो, ये काम केवल और केवल कमल फूल की सरकार कर सकती है, भाजपा सरकार कर सकती है। और मित्रों, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार ने बनाया है, पेपर लीक करने का रिकॉर्ड। हर साल 3 पेपर लीक हुए। प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का
हर पेपर लीक होता है। चार साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, चिकित्सा अधिकारियों का पेपर लीक, सीएचओ का पेपर लीक, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, बिजली विभाग के तकनीकी हेल्पर का पेपर लीक और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक की भर्ती का पेपर भी लीक किया। और गहलोत साहब कुछ नहीं बोलते। गहलोत जी, एक पेपर के लिए एक युवा 2.5-3 साल कठोर मेहनत करता है, कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं, और आप पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। सर मानी चाहिए गहलोत जी, आपको सर मानी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिए, आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, तुष्टिकरण की राजनीति गहलोत जी ने सारी सीमाएं लांघ दी है। 19 में टोंक में इच्छा हुई, 20 में डिंगरपुर में, 21 में बारा में, 21 में झालावाड़ में, 22 में करौली में, 22 में जोधपुर में, छाबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नोहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर, इस सभी जगह कौमी दंगे हुए हैं। और उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली का सर काटकर इन लोगों ने हत्या कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, गहलोत जी आप क्या कर रहे हो? कन्हैयालाल तेली का सर काट दिया, आपने क्या किया? रामनवमी और महावीर जयंती पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सर काटने वाले को तो ये कुछ नहीं करते। महावीर रैली, महावीर जयंती और रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया, और दूसरी ओर कोटा में पीएफआई वाले धड़ल्ले से रैली निकाल रहे हैं। भगवान भला करे मोदी साहब का, इन्होंने निर्णय कर ये पीएफआई को बैन लगाकर जेल में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। करौली में धारा 144 लगाई, अलवर में 300 साल पुराना मंदिर बुलडोजर से तोड़ा, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि पीट पीट कर हत्या करी, भरतपुर में संत विजयदास जी को आत्महत्या करनी पड़ी, और सलासर में राम दरबार को भी बुलडोजर से गिराने का काम ये अशोक गहलोत की सरकार ने किया। मुझे बताओ नावा वालों, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है या नहीं है? है या नहीं है? ये तुष्टिकरण की राजनीति चल सकती है क्या? जोर से बोलो, चल सकती है? अरे उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को, जो इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति करती है। और मित्रों, तुष्टिकरण की तो सीमा होती। मुझे बताओ नावा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, अंत तक है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? धारा 370 हटाने के लिए उनकी तो हिम्मत नहीं चली, कलेजा चाहिए, कलेजा, उनमें कलेजा नहीं था। आपने दूसरी बार 25 की 25 सीटें दी, मोदी जी 19 में प्रधानमंत्री बने,
5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 समाप्त कर दी। और उस वक्त ये राहुल बाबा काहे को हंसते हो भैया, ये राहुल बाबा खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते थे धारा 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने की। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। मित्रों, आज मैं राजस्थान की जनता को कहने आया हूं, अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो पीएफआई जैसे संगठनों से कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। भाई और बहनों, ये जो जाट बेल्ट में मैं आया हूं, सेना को सबसे ज्यादा जवान देने वाला ये प्रदेश, कितने सालों से सेना के जवान मांग करते थे कि वन रैंक वन पेंशन दीजिए, कांग्रेस पार्टी नहीं सुनती थी। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन देकर एक मुश्त 40,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं कि सरकार राजस्थान को अन्याय करने वाली सरकार, और गहलोत साहब मेरी बात आप तक जरूर पहुंचेगी, एक बात का जवाब राजस्थान की जनता आपसे चाहती है। 2004 से 14 में राजस्थान में जो सरकारें थी, ऊपर आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 2004 से 14 तक केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कितना पैसा राजस्थान के विकास के लिए दिया, इसका हिसाब दीजिए। मुझे मालूम है भाइयों बहनों, वो तो हिसाब नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं 2004 से 14 में इन्होंने 2,00,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था भाई, जोर से बोलो कितना। और मोदी जी ने 14 से 23 में उनके 10 साल के सामने हमारे 9 साल 2,00,000 करोड़ की जगह 8,71,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी से। और एक तो मैं सिर्फ डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड की बात करता हूं, इसके अलावे 6,00,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, पेट्रोलियम की रिफाइनरी, रोड, रेलवे, ये सारे 6,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, और ये 9 साल में राजस्थान को 14,00,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम किया है। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने 9 साल के अंदर ढेर सारे गरीबों के लिए भी काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 80 लाख राजस्थान के किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी जी ने भेजकर 17,000 करोड़ रुपया राजस्थान के किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना 1,10,00,000 लोगों को 5,00,000 तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही। 86 लाख घरों में शौचालय बनाकर
माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है और 4,20,00,000 गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अभी अभी मोदी जी ने घोषणा की है कि 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना और 5 साल तक चलने वाली है मित्रों। 68,00,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, 18,00,000 गरीबों को घर देने का काम किया। और नावा वालों बताओ, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? मोदी जी ने 200 करोड़ टीका लगाकर पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नावा वालों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं तो एक निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से ज्यादा समय से प्रभु श्री राम अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी करने वाले हैं। मित्रों, ये राहुल बाबा 2019 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे राहुल बाबा, अब तिथि तय हो गई, क्या कहना है, क्यों मूल सील गया है? वो तो नहीं जाएंगे, मगर नावा वालों, चुनाव के बाद आप अयोध्या का टिकट करा दो, रामलला भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी माताओं भाइयों बहनों एक कांग्रेस पार्टी ना देश को सुरक्षित रख सकती है, ना देश को समृद्ध कर सकती है, ना देश को दुनिया में गौरव दिला सकती है। मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बनाई, कर्तव्य पथ बनाया। मोदी जी भारत के तिरंगे को चंद्रमा पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो दोनों हाथ उठाकर। 23 में राजस्थान में फिर से भाजपा सरकार बनानी है ना? जोर से बोलो, बनानी है ना? कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाओगे, राजस्थान में भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
देखिए अमित शाह के संबोधन को आपने सुना और कुछ आमन से जो हुकार भरी अमित शाह ने वो आप तक फर्सिंजा के जरिए संबोधन के जरिए पहुंची। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रत्याशी को विजयी बनाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जब विजयी बनाया जाएगा तो विकास को पंख लगेंगे, लेकिन खास तौर पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाना साधा। बातों ही बातों में उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया। कुचामन, मकराना और परबतसर में चुनावी सभाएं हैं, कुचामन की तस्वीरें आपने देखी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित किया, उनके पश्चात अमित शाह ने संबोधित किया और फिलहाल कार्यक्रम में मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद आज क्योंकि राजस्थान के रण में भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य है तो ताबड़तोड़ बैक टू बैक तीन सभाएं और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन व्यवस्था में लंच भी वो करेंगे। कुल मिलाकर के राजस्थान के रण में स्टार प्रचारक के तौर पर जब नाम उनका सूची में देखा, लोगों में उनके पहुंचने को लेकर, उनके संबोधन को लेकर कौतूहल था।